नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक चरों का चैनल पर। आज हम करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की कविता जीना भी एक कला है। तो आइए जानते हैं इस कविता के भाव। परिचय की अगर बात करें तो भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित जानकी वल्लभ ने शुरुआत कहाँ से की थी? संस्कृत में कविताएं लिखने से की थी। उनकी संस्कृत की कविताओं का जो संकलन है वो काकली के नाम से 1930 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ। संस्कृत साहित्य के इतिहास में नागार्जुन और जानकी वल्लभ को देश के नव जागरण काल के प्रमुख संस्कृत कवि के रूप में जाना जाता है। निराला जी इनसे बहुत प्रभावित थे और वैसे अगर देखा जाए तो इनका समय काल कौन सा है? छायावाद है, छायावाद। और छायावाद के चार स्तंभों के बाद इनका स्थान कौन सा है? इनका पाँचवा विशेष स्थान निर्धारित है कहाँ पर? छायावाद में। तो इन्हीं की जो कविताएं हैं, जीना भी एक कला है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने वाली ये कविता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि क्या कहते हैं कि जीना भी एक कला है, कि जीना भी एक कला यानी एक खूबी है या एक तरह से एक कला है, एक तरीका है। इसे बिना जाने ही मानव बनने कौन चला है? जो जीना नहीं जानता वो मानव कैसे बन सकता है? इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बिना इस जीने की कला को जाने मानवता के विचारों से प्रेरित हो या मानव बन जाए। फिसले नहीं चले चट्टानों पर इतनी मनमानी, आंख मूंद तोड़े गुलाब को चुभे न क्या नादानी। कि फिसले नहीं, कि हम इस जीवन रूपी मार्ग में चलें और उसमें फिसलन ना हो। चट्टानों पर हम चलें पर इतनी मनमानी, और इतनी मनमानी हम करें कि हम फिसले भी ना, चढ़ते चले जाएं और कहीं पर हमें ठोकर भी ना मिले। आंख मूंद तोड़े गुलाब, और हम केवल गुलाब पर मोहित होकर आंखें बंद करके उसको तोड़ लें। कुछ चुभे न क्या नादानी, और वहाँ कुछ भी ना चुभे ये कैसी नादानी है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब गुलाब तोड़ेंगे तो साथ में कांटे भी चुभेंगे। अर्थात जब हम जीवन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, पथ में आगे बढ़ेंगे, कुछ नया विकास, नई प्रगति करने की बात सोचेंगे तो हमें अनेक कठिनाइयों का, अनेक संकटों का सामना भी करना पड़ेगा। अजी शिखर पर जो चढ़ना है तो कुछ संकट झेलो, कि अगर हमें इस जीवन में शीर्ष को प्राप्त करना है, शिखर को प्राप्त करना है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो हमें संकट भी झेलने ही पड़ेंगे। चुभने दो 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 चार खार, जी भर गुलाब फिर ले लो। खार यानी कांटे, कि चुभने दो। जब हम उस जीवन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो कठिनाइयों को आने दो, फिर जी भर गुलाब ले लो। अगर आप उन चुभते हुए कांटों को सहन कर लेंगे, उनका सामना कर लेंगे, तो फिर आपको गुलाब भी आसानी से मिल जाएंगे, और कितने ही गुलाब फिर तुम ले लो। अर्थात जीवन में कितनी ही खुशियां तुम प्राप्त कर जाओगे जब जीवन की कठिनाइयों को झेलना तुम सीख जाओगे। तनिक रुको, क्यों हताश, दुनिया क्या भला भला है। तनिक रुको, कि थोड़ी देर रुको, विचार करो, तुम निराश क्यों हो? ये दुनिया भला क्या भला है, कि दुनिया ऐसी क्या है कि तुम इससे निराश हो? क्यों? क्योंकि तुमने जीने की कला नहीं सीखी। तुम जीने की कला को अगर सीख लोगे तो ये दुनिया भी तुम्हें भली प्रतीत होगी, ये दुनिया भी तुम्हें सुकून देने वाली प्रतीत होगी। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुक कर विचार करो और अपनी निराशा का त्याग कर दो। कितनी साधे हो पूरी तुम रोज बढ़ाते जाते। साधे यानी इच्छाएं, कि तुम अपनी कितनी ही इच्छाएं पूरी कर लेते हो लेकिन रोज तुम्हारी वो इच्छाएं और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कौन तुम्हारी बात बने, तुम बातें बहुत बनाते, कि कौन सी तुम्हारी बात बन जाए, कौन सी तुम्हारी बात पूरी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है। माना प्रथम तुम ही आए थे पर इसके क्या मानी, मानी मानी यानी मायने, उतने तो घट सिर्फ तुम्हारे जितने नद में पानी। घट यानी घड़े, कि जितना नदी में पानी है उतने तो केवल तुम्हारे घड़े हैं, और इस संसार में तो ऐसे अनेकों घड़े हैं जिनकी गिनती भी संभव नहीं है। अर्थात मानव इस संसार में अनेक इच्छाओं को लेकर आता है। इस नदी का पानी यानी संसारिक इच्छाएं, और घट यानी तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वो इतनी ज़्यादा है कि तुम्हारी इस जो संसारिक इच्छाएं हैं या इस संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, तुम्हारी जो कामनाएं हैं, वो तुम्हारे पास उतने ही तो घड़े हैं यानी उतनी ही तुम्हारी इच्छाएं हैं।
और कई प्यासे, इनका भी सूखा हुआ गला है। और इस नदी में बहते हुए पानी को अगर तुम ही सारा इकट्ठा कर लोगे, अर्थात संसार के सभी सुख अगर तुम ही प्राप्त कर लोगे, तो इस संसार में अनेक ऐसे हैं जो बिल्कुल प्यासे हैं, जिनका गला सूख गया है, उनको जल कहाँ से मिलेगा, अर्थात उनको सुविधाएँ कहाँ से मिलेगी। जीना भी एक कला है। तो यहाँ पर कवि क्या संदेश देना चाहते हैं कि तुम उतना ही प्राप्त करो जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। त्याग का भाव अपनाओ और दूसरों की सहायता करने का अगर भाव तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो तुम जीने की कला को सीख जाओगे। निस्वार्थ भाव से अगर तुम केवल अपनी ज़रूरत के अनुसार वस्तुओं का इस्तेमाल करोगे या अपनी इच्छाओं को तुम सीमित कर लोगे, तो अन्य उन वस्तुओं का उपयोग करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी अपना जीवन आसानी से जी पाएंगे। तो यहाँ पर कि गला किसका सूखा हुआ, अर्थात जो अभाव से जीवन जी रहा है उसकी सहायता करने का विचार भी तुम्हारे मन में आना चाहिए। और जीवन की यही तो एक कला है जो हमें एक नया मार्ग दिखाती है कि हम ज़रूरतमंद की सहायता करें, उसकी मदद करें, ताकि उसका जीवन भी कुछ आसान हो जाए। तो यहाँ इन पंक्तियों में जीवन में जो हमारी इच्छाएँ हैं उनको उतना ही हमें बढ़ाना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ऐसा नहीं हो कि हमारी इच्छाएं पूरी होती जाए और वैसे वैसे वो और ज़्यादा बढ़ती जाए। तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि मानव को इस संसार में जीने की ऐसी कला सीख लेनी चाहिए कि अपनी इच्छाओं को सीमित करके वो अपना जीवन जिए और दूसरों की सहायता करने का प्रयास भी करे। बहुत ज़ोर से बोले हो स्वर इसीलिए धीमा है कि तुमने अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हारा स्वर अब क्या हो गया है, धीमा हो गया है। घबराओ मन, उन्नति की भी बंधी हुई सीमा है कि तुम घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराओ मन, मन से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो उन्नति है, विकास है, उसकी भी एक सीमा है। देखिए, हम पहले भी इस प्रकार की कविताएं पढ़ चुके हैं कि जिसकी उन्नति है उसकी अवन्नति भी निश्चित है। तो तुम अपने मन से घबराओ, जो तुम इच्छाएं मान रहे हो, जो तुम अपनी लालसा को बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें अपने मन में विचार करने की आवश्यकता है कि तुम कितना विकास करोगे, क्योंकि उन्नति की या विकास की भी एक निश्चित निर्धारित सीमा है। शिशिर समझ हिम बहुत न पीना, इसकी उष्ण प्रकृति है। शिशिर क्या होता है? शीत ऋतु को समझकर हिम बहुत न पीना, अर्थात क्या कहना चाहते हैं? शिशिर क्या होता है? शीत ऋतु या ठंड मान सकते हैं कि ठंडा समझकर, हिम यानी बर्फ को हम ठंडा मान लेते हैं कि बर्फ ठंडी है, तो इसको बहुत ना पीना, इसका सेवन अधिक मत करना। क्यों? क्योंकि बर्फ की प्रकृति भी कैसी होती है? गर्म होती है, उष्ण प्रकृति है। उसकी तासीर कैसी होती है? गर्म होती है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि किसी भी चीज़ का अधिक प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है या वो तुम्हारे लिए संकट पैदा कर सकता है। सुख दुख आग बर्फ दोनों से बनी हुई संस्कृति है। ये जो संसार है इसकी रचना कैसी हुई है? सुख और दुख के मेल से। जैसे आग का अपना महत्व और बर्फ का अपना महत्व है, अर्थात सुख और दुख का आगमन ये दोनों ही संसार की नियति है, इस संसार की संस्कृति है। यानी संसार की रचना सुख दुख के आधार पर ही हुई है। जैसे आग और बर्फ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से सुख और दुख भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आज जीवन में सुख है तो कल दुख का आगमन भी होगा, आज अगर दुख है तो आने वाला समय सुखदायक भी होगा। तपन ताप से नहीं, तुहीन से कोमल कमल जला है। क्या कहते हैं? तपन की ताप से, तपन की गर्मी से नहीं, यानी अग्नि से नहीं, बल्कि कोमल कमल किससे जल जाता है? तुहीन, तुहीन क्या होती है? बर्फ या बहुत ज़्यादा शीतलता से भी क्या है? कमल जल जाता है। ऐसा नहीं है कि शीतलता जीवनदायिनी होती है या सुख जीवनदायिनी होते हैं या सुख जीवन को सरल बना देते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा सुख भी जीवन को कष्टदायक बना देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे शरद ऋतु में या बर्फ से भी कोमल कमल जल जाता है, उसके लिए किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए वो कहते हैं कि जीना भी एक कला है, तो मानव को इस कला को सीख लेना चाहिए और उसे अपने सुखों का एक निर्धारण करना चाहिए।
अधिक कामनाएं, अधिक आकांक्षाएं, अधिक मानव की इच्छाएं उसके जीवन को कष्टकारी बना सकती हैं। इसीलिए उसे सुख का त्याग करके कर्म को महत्व देना चाहिए और कर्म मार्ग पर ही आगे बढ़ना चाहिए। केवल अपने सुख का ना सोचे, समाज के हित के लिए भी उसे प्रयासरत रहना चाहिए। और यही जीवन की कला है कि अपना जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भी काम आए, हम दूसरों की भी सहायता करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।